हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स के बारे में आप लोगों का कंसर्न है, आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, बाकी बहुत सारे बोर्ड्स का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन जैसे राजस्थान बोर्ड है, MP बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, और भी कई सारे बोर्ड्स हैं जिनके रिजल्ट अभी भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, एग्ज़ाम आपने दिया है, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, बुरा गया है, पास होंगे या नहीं होंगे, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है ना। आपसे बेहतर कोई जानता है क्या? नहीं जानता। आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको तो ज़रूर पता है कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं पास हूँ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, ठीक है, बस मार्क्स का ऊपर नीचे का इशू है, तो आप अभी क्लास 11th की पढ़ाई शुरू कर दो। देखो, मैंने नई बुक से पढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 ख़त्म भी कर दिया मैथ का, ठीक है, कक्षा 11 और 12 भी। तो बच्चों आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो, जितना टाइम बीतेगा ना, ये सिलेबस आपका, देखो सेशन चालू है, बस आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और जैसे ही आप स्कूल में जाओगे आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। और कक्षा 11 में अगर आप लोगों ने आपका बेस अच्छा नहीं बना, टाइम कम मिलेगा ना, तो फिर कक्षा 12 में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ हम झेल चुके हैं, तो मैं बता रहा हूँ, हमारा जब रिजल्ट आया था ना क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम, जब हम 3 महीने बाद आया था, और उसके बाद स्कूल खुला, एडमिशन प्रोसेस चलता है, फॉर्म भरो, आर्ट साइड लूँ, साइंस साइड लूँ, नई नई किताब आती है, प्रेशर में रहते हैं, और फिर टाइम चला जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जुड़ के पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ बच्चों, कि जो आपका एक MP बोर्ड है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली डेट बता दूँगा कब कब आने वाला है, टेम्पटिंग वाला, ठीक है। MP बोर्ड है, ठीक है, फिर RBSC बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, और उसके बाद उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, UK बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स की चर्चा करेंगे, और बाकी जो भी बोर्ड्स बचे हुए हैं उनकी। तो सबसे पहले देखो, जो MP बोर्ड है उसका जो रिजल्ट है इस महीने के आखिर तक, ठीक है, इस महीने के आखिर तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, मई महीने के अंत तक आपको पक्का मिल जाएगा रिजल्ट, ये मान के चलिए। तो टेंशन मत लो, बाकी 12th वालों का तो ऑलरेडी आ चुका है, बस 10th वालों का बचा हुआ है। तो ये आखिरी, आज 21 तारीख है, तो ये मान के चलिए इस महीने के आखिर तक आपको मिल जाएगा, उससे भी पहले मिल सकता है, जो आने वाला संडे है, ठीक है, ये तो आज मंडे में वीडियो बना रहा हूँ, आने वाला जो संडे है वो संडे तक आपको एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या फिर संडे को नहीं भी आया, 90% चांस है कि संडे को आ जाएगा, अगर संडे को नहीं आता तो उससे 1-2 दिन में आ ही जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आगे की पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नई NCERT बुक आई है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, NCERT पे ही पढ़ना है आपको इनिशियल, ठीक है। उसके बाद मैं राजस्थान बोर्ड की बात करूँ, तो देखो राजस्थान बोर्ड की 12th का रिजल्ट तो आ चुका है, अभी 10th की बारी है, तो 10th का रिजल्ट वही मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा दिक्कत यह है ना कि राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट इस महीने के अंत तक या फिर अगले हफ्ते, ठीक है, अगले हफ्ते आ सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटीज है। इस महीने के एंड तक आने के चांसेस 60% हैं, जो मुझे जानने को मिला है, और अगले महीने पहले हफ्ते में, इस महीने अगर नहीं भी आता है तो अगले महीने के 1-2 तारीख तक 2-3 तारीख तक आ ही जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं करो, आगे की पढ़ाई पे फोकस करो, जितना दिन बीतेगा आपका समय कम होगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए तो बेहतर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड से मैं भी हूँ, मैंने भी उत्तराखंड बोर्ड से ही एग्ज़ाम दिया बच्चों। तो अगर मैं बताऊँ, इस महीने आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उत्तराखंड वालों, इस महीने आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उत्तराखंड वालों का जो रिजल्ट आएगा ना वो अगले महीने आएगा, वो भी 7 तारीख के बाद, ठीक है, 7 से 12 तारीख के बीच में कभी भी आ जाएगा। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये टेम्पटिंग डेट है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आसपास का डेट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अभी अपडेट नहीं आया, ये जो भी मुझे जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि जितने दिन जाएंगे उतना मामला बिगड़ता जाएगा, ठीक है।
ये जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी या बाकी कोई भी बच्चा अगर वीडियो देख रहा हो, उनको सबको निवेदन है कि भैया पढ़ाई आगे की शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर अभी भी आप कन्फ्यूज़न है कि हमें आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जल्द। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, डिस्क्रिप्शन पे चेक करें, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियो और चाहिए। कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारों सपोर्ट ज़रूर दें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।